दास हरवंशों की प्रोम लैके हाजिर होया है रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे ची तुहाडा निघा स्वागत, तुहानू दिल दीआं गहराइयां तो बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल जीआं आखदे आं। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल साथ दे रहे ने महापुरश साईं पप्पल शाह जी, प्रधान सूफियाना प्रबंधक कमेटी पंजाब। पिछले कुछ हफ्तों तो तुसीं इन्हां नूं कांची टीवी राहीं अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर की स्टेज तो लाइव तौर ते कुछ कु दिनों तो अपने प्रवचना राहीं संगतां नूं निहाल कर रहे ने। आस है गां भी इस तरीके संगतां नूं सच दे नाल गुरु के नाल जोड़ते रहेंगे। साडा भी यही फर्ज है। तो जे मैं टाइटल अपने प्रोग्राम का रखा रविदास रहे प्रसन्न, तो जे इत्थे अपने गुरु नूं खुश करन वालियां गल्लां ना करांगे, चर्चा ना करांगे, असी मेहमान इदां दे ना लैके आवांगे जिहड़े गुरु दे नाल सच दे नाल ना जोड़न वाले होण, तो फिर कांची टीवी दे नाल असी अन्याय करांगे। आओ रल के गुरु नूं हाजिर नाजिर करिए। बाबा जी तुहाडे जीआं नूं आओ संगतां नूं नाल लईए, हाजिर लाइए। जय गुरदेव, धन गुरदेव। गुरु प्यारिओ, बोलण तो पहलां असी इंसान है, गलतियां दा पुतला, बोलदिआं होइआं टीवी ते बैठे हाँ। असी चाहांगे कि साडी इस जीव तों किसी धर्म, किसी समाज, कौम, किसी के निजी मामले दे विच कोई इहो जी गल ना कर सकीए जिहदे नाल किसी का दिल दुखे जां किसी नूं आहत पहुँचे। असी आप जी तो प्यार लैण वास्ते बैठे हाँ, सांझी वालता वास्ते कोशिश करांगे कि असी नफरतां दे बीज नूं किते खत्म कर सकीए। आपसी पाटो धार जिहड़े साडे आपस विच असी हर तरीके नाल वंड वडैया कर लिया, गुरुआं नूं भी असी वक्खरे वक्खरे अपने अपने हिस्से कर लए, रब नूं भी वंड लिया, धर्म भी वंड लए, पर गुरु दे प्यारिओ उन्हें तो कहा भी मानस ही एक ही मानस की जात है, होर कोई है ही नहीं दुनिया च। इंसान नूं भेजिया तीन तरह दी जातां भेजियां, इस्त्री ते मर्द ते दूसरा उन्हां नूं भी महाराज चढ़दी कला च रखे, ठीक है जी। सो महंतां दा भी उन्हां दीआं भी आशीर्वादां, क्योंकि बहुत आशीर्वादां। गुरु प्यारिओ, अज दे असीं विचार साडे किसी नूं दिल दिखाउण वाले नहीं, पर बहुत सारे फोन भी आए, कईआं ने क्लिप भेजे, मीडिया देखिए। असी जिथे भी गए हाँ, भावें किसी भी धर्म नूं मानते होइए, किसी गुरु पीर नूं मानते होइए, महापुरश नूं मानते होइए, किसी इष्ट नूं मानते होइए, दुनिया के किसी कोने विच भी चल जाइए तो असी उन्हां दी याद नूं दिल विच लैके जांदे हाँ। उन्हां ही यादां दा सदका बाहर आ के असी धार्मिक अस्थान बनाउंदे हाँ, धार्मिक स्थानां दीआं संस्थावां बणदीआं ने। नाल ही मैं इत्थे बेनती कर जावां, संस्था कोई भी होवे, धार्मिक संस्था, खास करके अज दी जिहड़ी गल मैं कर रहा, धार्मिक संस्था कोई भी होवे, मंदिर दी होवे, गुरुद्वारे दी होवे, मस्जिद दी होवे, जां किसे होर चर्च दी होवे, कोई भी संस्था होवे, ओ संगतां बणाउंदियां संस्था, बिल्कुल चंगी बना लैन ते माड़ी बना लैन, ये उन्हां दी जिम्मेवारी है। उन्होंने अपनी इलाके दी, एरिए दी, पिंड दी, समाज दी, महल्ले दी, जां शहर दी कोई भी कमेटी, गुरुद्वारे दी, मंदिर दी। जय गुरदेव जी। हेलो नमस्कार सर, मैं छिंदा दादा गुरु जी ने खुद धर्म कोई भी गुरु धर्म का उठा कर मर्द बन जाता है। मर्द असि इंसान है, सारे इंसानियत विच फिक्स नहीं होनी चाहिए, साड़ी सोच है जो कि जो नीवा हो गए, नीवे उच्चा करना सौखा होगा, बड़े नीवा करना बड़ा औखा होंगे। दुनिया जिन्हें भी बड़े जीत है
सारे चोर है चोर के ना मैं देखे है मैं सारे मिल चुका है जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड जिन्हें भी है ना मैं टोपी होते बैठा मैं गैलरी में थैंक यू भाजी मैं तुम्हें थैंक यू जी गुरु प्यारे तुहाडे अपने अपने विचार अज असी विचार आप जी तो लवांगे असी बाहर बह के गल्लां जरूर करदे आं फलानी जगह ठीक नहीं फलानी जगह ठीक नहीं उत्थों दे प्रबंधक नहीं ठीक मैं किसी की निंदा करन वास्ते नहीं बैठा प्रबंधक तुसी चुने आ गुरु घर संगत ने रल के बनाए होंगे आ जां मंदिर भी मसीतां भी जां चर्च भी ये संगतां बनाउंदियां ने प्रबंधक कमेटियां भी संगतां चुनदियां ये तुहाडी अपनी इच्छा पर असी जदों मीडिया विच देखते हाँ हर धार्मिक स्थान के उत्ते जिथे सानू धर्मी बन की लोड़ है बाबा जी जिथे सानू धर्मी बन की लोड़ है जिथे सानू सच ते चलन की लोड़ है जिथे सानू बेकारां तो बचन की लोड़ है धार्मिक जगह के उत्ते भी असी जदों मीडिया देखते अज तरह तरह के क्लिप लोग पाते हैं कि उत्थे जी आ हो गया उत्थे आ हो गया उहदे विच असी अज एक गल करांगे तुसी अपने विचार दिओ भी जिहड़े धार्मिक स्थानां ते कोई झगड़े हुंदे ने कमेटियां करके हुंदे ने जां इहदा मतलब की आ क्यों हुंदे ने इह तुहाडे तों असी सवाल भी छड्डदे आ ते नाल ही असी आप जी तो किसी नूं माड़ा नहीं कहना मेरी हाथ जुड़ के बेनती है मैं जरूर बेनती करांगा आप इस नूं सिर्फ आपां एक दूजे सुझाव देने आ भी जे असी परदेसां विच आ के जां किते भी एडे गुरु घर बना लए जां असी मंदर बना लए मस्जिदां बना लईआं असी सारे भरा आ सारे भरा आ ते जे असी किसी भी धर्म नूं मानदे आ ते उहनां धर्मां दे विच उहनां धार्मिक स्थानां दे उत्ते इहो जी उत्तल पत्थल क्यों हुंदी है जदों कि उत्थे ये चीज़ां होनियां नहीं चाहीदियां बाबा जी इस संबंध विच आप जी दे की विचार है जी सब तो पहला तो जदों आपां कोई प्रबंधक कमेटी बनाने आ गुरु घर नूं चलाउण वास्ते प्रबंधक कमेटी दे विच जिहड़े मैंबर चुनने हुंदे ने उह साफ अक्स वाले होने चाहिए आ और उह जिहड़े आ बेईमान नहीं होने चाहिए जी जदों उहनां दे अंदर बेईमानी है तो वह जिहड़े आ एक गुरु घर नूं चलाउणा है गुरु घर दी सारी मैनेजमेंट उहनां दे हत्थ विच हुंदी है जी जे उह ईमानदार होणगे वो जड़ा है वो गुरु घर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा उत्थे कदे भी इदां दा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा क्योंकि कैशियर का काम है कैश नूं संभालना प्रधान का काम हैगा जड़ा है बाकी बाहरले कामां नूं अरेंज करना जड़ा है सैकटरी का काम हैगा उन्हें जड़ा लेखा जोखा जो भी साड़ा होया उन्हूं अनाउंस करना हुंदा उहदा दसना हुंदा वी इस वार सानूं पेपर वर्क आ जड़ा पेपर वर्क हैगा ये तीन मैंबर ही ज़्यादा जड़े जरूरी हुंदे ने जे तीन मैंबर ही ज़्यादा ईमानदारी नाल काम करन तां मैनूं नहीं लगता कि कोई ऐदां दी मुश्किल आऊगी क्योंकि एक सिर्फ सानूं कागजी तौर पर उहनां नूं ई अहुदा देना पैंदा कि प्रधान हो गया सैकटरी हो गया खजानची हो गया काम सारिआं ने मिल के करना हुंदा उत्थे सिर्फ ई एक रजिस्ट्रेशन वास्ते सानूं जिहड़ा है जरूरी होना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ मसीत की डेफिनेशन की है बाबा जी ये आजदा गुरु घर है जी पहली पातशाही तो लैके जी ये तो पहला भी महापुरश होए ने जी उत्थे संत सभा होंदियां सीगियां बिल्कुल सत्संग होंदे सी जी जयदेव जी होए ने फरीद जी होए ने उन्हां भी तो कितने किते अपना प्रचार किया नामदेव जी होए ने जी पंजवीं पातशाही तक धर्मशाला रही है जी ठीक है धर्मशाला धर्मशाला तो मतलब है जिदा पाठशाला है जिथे बच्चिया नू सिख्या दुनियावी सिख्या पाठशाला ते धर्मशाला सी जिथे धर्म दी सिख्या वे असी धर्मी किदा बणीए साडे अंदर दया किदा आवे साडे अंदरों नफरतां किदा जाण ऊच नीच जात पात किदा खत्म होवे साडे अंदरों विकार किदा खत्म होण बुराइयां किदा खत्म होण असी दूसरे नू
रब की जोत कि मनी है भी वह भी साढ़े वर्गा ही है। सो गुरु के प्यारो ये तो असी सतगुरु नानक देव जी के पंजवीं पातशाही तक, उस तो बाद छेवीं पातशाही तो बाद गुरु घर आ गया, गुरुद्वारे आ गए। हुण गुरुद्वारे तो मतलब ये बनता है बे गुरु के जरिए जी, गुरु के द्वारा, गुरु के दर पर की होना चाहिए, उत्थे तो सिर्फ यही होना चाहिए बे जो गुरु साहबान ने साडे लई कोई उपदेश दिता है उन्हूं संगतां तक पहुँचाइए। आ जिहड़ा मन कलेश दे नाल भरिया वितकरे नाल भरिया इहदे अंदरों वह चीज़ां नफरतां कढ़ियां जाण, उह तां ही होणियां जे असीं उस चीज़ नूं असीं अपने विच लैके आवांगे। उत्थे अमलां दे होणे नहीं नबेड़े, किसी नहीं तेरी जात पुछणी जी, उहदे घर विच कोई जात पात नहीं है। गुरु घर का मतलब हुंदा सर्ब सांझा जी, सारिआं दे वास्ते हुंदा है। जिवें श्री दरबार साहब है जी, हरिमंदर साहब कहने जिन्हों असी हरी का मंदिर है, परमात्मा परमात्मा का घर है, उन्हों असी गुरुद्वारा कहा, गुरु का घर हो गया साढ़े वास्ते, गुरु का घर है, असी उत्थे जाके बैठना है। चार दरवाजे जड़े ने वो इसे करके ने कि कोई भी मज़हब जड़ा है उत्थे कोई ये नहीं है, सारिआं वास्ते सांझा है। कोई इस रस्ते आ जाए, इस रस्ते आ जाए, सारिआं नूं इक्को ही गुरु है। जे साडा वह भी गुरु घर जिहड़े आप बनाए जिथे साडे सतगुरां दा प्रकाश बाणी दा प्रकाश है जी, ते उत्थे भी ते फिर यही चीज़ होनी चाहिए सारिआं लई, सारिआं लई इक्को ही। जिदा हुण मसीत आपां इस्लाम दे विच है, मसीत विच जांदे आ, मसीत चों की लै के आउंदे आ, उत्थे सानूं सिखाया इस्लाम अलैकुम, वालेकुम, अगे बोलने वाला की कहता वालेकुम सलाम, इस्लाम अलैकुम। भाई जी तुहानूं इह सिखाया भी इस्लाम अलैकुम, तू खुश रह, शांति वाला रह, तेनू बहुत कुछ देवे अल्लाह, बहुत कुछ देवे, इहदा मतलब यह है। अगे वह कहता तू भी जो तू मैनू आशीर्वाद दी तेरे भी उही होवे, जिहनूं आपां सेम टू यू कहने आ। जेकर ये चीज़ां आपां नूं मसीत सिखा रही है जी, ते सर गुरु घर का भी मतलब ही है सरबत है भले वास्ते, गुरु घर च है सिक्ख्या के केंद्र ने, सिक्ख्या के केंद्र है, अते मसीत दे विच भी यही चीज़ आ, मंदिर दे विच भी यही चीज़ा भी, ये मंदिर की नाम बखरे बखरे ने, नाम बखरे आ। हुण चर्च है सारे ज्ञान के केंद्र ने, ये साढ़े मन की जिहड़ी खटास हैगी आ उहदे करके सानू वख वख लगदे ने, है सब इक्को ही है। जिवें बखरे बखरे रस्ते हो सकते ने, मंजिल सब की इक्को ही है। फिर बाबा जी मंदिर भी एक वा जी, वह भी पवित्र वा, मस्जिद भी पवित्र है जी, और गुरुद्वारा चर्च भी पवित्र आ, होर धार्मिक स्थान जिथे नाम की बंदगी होंगी सारे पवित्र है, जिथे चर्च आती, पर उत्थे आ जिहड़े झगड़े जिहड़े अज इंसानां दे झगड़े ने, मालिक का कोई झगड़ा नहीं है। चाहे चर्च के कोल गुरु घर होवे, गुरु घर के नेड़े मस्जिद होवे, मस्जिद के नेड़े मंदिर होवे, ये आपस में ही कदे नहीं लड़नगे। मैं यही गल करदा हूं लाइब्रेरी दे विच उत्थे आप सारी चीजा पई है, साडी अपनी निजी असी अपना विवाद खड़ा करदे आ, वह कहंदा मेरा गुरु वड्डा, वह कहंदा मेरा गुरु वड्डा है। देखो अपने आप ने अपने गुरु महाराज नूं हर कोई चाहुंदा है, अपने पीए का हर बंदा सत्कार चाहुंदा है, पर साडे पीए का सत्कार दूसरा बंदा तां ही करूगा जे असी भी उहदे पीए का सत्कार करिए। असीं हुण इधर नूं आईए, जिहड़े विच प्रबंधक बैठे आ जी, उहनां दे आपसी झगड़े क्यों आ? जेकर सानूं गुरु घर इह सिखाउंदा, मंदर इह सिखाउंदा भी भाई इतने तो सिर्फ बंदगी वास्ते बनिया, मसीत भी सिर्फ अल्लाह की नमाज पढ़ने वास्ते बनी है, और चर्च जिहड़ा आ परमेश्वर नूं याद करने वास्ते बनिया। जिहड़े फिर बंदे अंदर जाते हैं, जिहड़े प्रबंधक एक कमेटियां करके एक दूसरे नाल लड़ाइयां, तरह तरह के हथियारों के नाल लड़ाइयां, एक दूसरे नूं असी हथों पाई होंगे, ये क्यों होंगे? मैं यही सिर्फ मेरा एजेंडा कितना कितने साडी ईगो कितना कितने होमे साडे ते भारी है। जदों तक ये चीज़ नहीं असी त्यागते उन्नी देर तक असी किसी भी जगह पर मैंबर, असी आम जगह के मैंबर भी हो जाइए, उन्नी देर ये लड़ाई साड़ी चलती रहेगी, क्योंकि जदों तक असी अंदरों बाहरों इको जहे नहीं होंगे उन्नी देर तक साड़ी लड़ाई चलती रहेगी। अंदर भी चानण होना चाहिए, बाहर भी चानण होना चाहिए, फिर गल बनेगी। जदों तक असी एक दूसरे की तेर मेर जिहड़ी आ उह चली जांदी है, सतगुरु इन्ने वड्डे होण दे बावजूद भी कहिंदे ने कि कबीरा मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा,
सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जी, जैसे तरबर पंख वसेरा जी, राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हथ तेरी सीमा, जान वेले वक्त जड़ा है सारिया ते जड़ा ये वक्त आंदा है, उस वक्त सारिया नू उन्नी की जगह मिलती है जी, साढ़े तीन हथ की जगह की जड़ी गल की है मालिक ने कि इन्नी जगह ही सारिया के हिस्से आनी है, तो हंकार कहता है असी क्यों ना एक दूजे नाल प्रेम करिए, एक दूसरे दे नाल मिल के चलीए। मारे कहंदे ने कि बंके बाल पाग सिर टेरी, ये तन होएगो भसम की टेरी, ऊचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन वाजी हरी। जिहड़ी चीज़ नूं असी लैण जाणा उहदे नाल तां जुड़दे ही नहीं, असी अपनियां जिहड़ियां सैली टोपियां सिर ते रखण दी खातर असी जिहड़ा गुरु घर दी जिहड़ी आ उह बदनामी करदे आ। आपां फिर उत्थे आउंदे आ जे असी मिल के, फिर जेकर अंदर साडा देखो ज्ञान अंदर पिया, गुरु का दरबार का मतलब ही ज्ञान का घर, गुरु साहब के सामने उहदे सामने लड़ाई करी जांदी। असी फिर इहदे ही अज कारण लभणा, गुरु दे ही तां असी गल ही नहीं मनदे, इहदा कारण तां इही नूं मनदे आ, गुरु दी गल नूं नहीं मन रहे। गुरु सामने है, असी उत्थे अपनी की कह सकदे आ, हथियार कढ कढ के असी लड़दे पए आ, की उत्थे गुरु खुश होएगा। आपां हुण टाइटल दे वल आ जाइए कि सतगुरु रविदास रहे प्रसन्न जी, ते गुरु महाराज ते तां ही प्रसन्न होणगे। असी उह सानूं मिलाउणा चाहुंदे सी, इक नाल करना चाहुंदे सी। जे अज दरबार साहब दी नीह साईं मियां मीर जी रख रहे ने, इहदे विच सतकार दी गल सी, सतकार दी कि उह मुसलमानां दा हो गया नहीं 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 नहीं, उह इक प्यार दी सांझ सी, प्यार दी सांझ सानूं बनाउणी पैणी है। जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सी पीर बुद्धू शाह जी उहनां दे नाल, जे हुण आपां गल करिए श्री आनंदपुर साहब की, तो उत्थे बाबा बुढ़न शाह जी जी, तो वह एक करते गए सारिया नूं। गुरु नानक पातशाह दी देखो किन्नी देर उन्होंने इंतजार किया, दुध रखिया उन्होंने वास्ते जी जी, ते छेवीं ब्याह जामे जाके मैं देखो ये प्यार दीयां गल्लां सी, प्यार दीयां गल्लां, ते अज दा प्यार सानूं बस मैं आउने भी आपां इत्थे ही आ, गल इत्थे ही आ भई गुरु प्यारिओ, फिर असीं इत्थे आ जांदे आ, असीं तुहाडे तों फिर कहिंदे आ भई जदों असीं जाईदा ना आले दुआले जाईदा, उत्थे आ हुंदा उत्थे आ हुंदा, तुहाडे सवाल असीं गल रख दित्ती है भई जे गुरु घर भी ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਵਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬਿੱਟੇ ਜੱਟ, ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੀਜਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਆਏ
वो सेवा असी ये भी छड़नी भी नहीं चाहते तो करनी भी नहीं चाहते। जो असी करनी चाहते हैं तो तनदेही निभाइए फिर सेवा एहसान नहीं हो एहसान थोड़ी है असी सेवा करन गए अपने सेवा का मतलब असी अपने आप जिन्ना किसी ने सेवा करनी वो अपने लिए करनी किसी लिए तो करनी नहीं बस रात कर लो दिने कर लो ड्यूटी दे दो जिन्नी दे सकते दो घंटे दे दो जे दो घंटे कर सकते हैं दो घंटे ले लो ये नहीं है कि तुम अठ घंटे की ड्यूटी लैनी हैगी पांच घंटे की ड्यूटी कह दो भी पांच घंटे मैं इस पंडाल के बाहर नहीं जावगा इन्नी देर मैं लंगर बरता के ही जाऊँगा जद तक अस हूँ चर्च के गुरुद्वार की भी गल कर ली मसीत की भी कर ली मंदिर की भी कर ली हूँ चर्च में जी चर्च में बाइबल कह रही है जी बी क्राइस्ट परमेश्वर का पुत्र आ जेड़ा परमेश्वर के मुताबक वो अनुकूल कोई काम नहीं करेगा तो वो कोई वह रिश्ता नहीं जी ठीक है बिल्कुल अज भी जेकर असी किसी भी धर्म के ग्रंथ के असूलों वो सिद्धांतों नहीं मानते फिर असी मनन वाले नहीं मनन वाले नहीं बिल्कुल तो जे असी सिक्ख्या नहीं लैना चाहते नहीं लैना चाहते अपनिया पगा चाहते हैं फिर असी उस धर्म के श्रद्धालु नहीं हो सकते जी बिल्कुल तो जी गुरु घर जा मंदिर के मसीता धार्मिक स्थानों उत्ते कमेटियां दे झगड़े चलते आ फिर उन्होंने झगड़िया सोशल मीडिया से पा के एक दूसरे की मिट्टी पड़ते हो आ हो रहा वो आ हो रहा वो नहीं चाहिए गुरु की शान के खिलाफ है वो क्योंकि आप गुरु की उन्नी ज़्यादा बेअदबी कर रहे सत्कार नहीं कर रहे झगड़ा थोड़ा अपना हैगा उन्होंने बैठ के नबेड़ो अंदर बह के नबेड़ो ते जदों नाल पांच दस जिहड़े उन्हां खड़े हो गए भी उहदे नाल खड़े हो गए उस तों बाद कानून बैठा है तुसीं कानून दे कोल बैठो उहदे नाल बैठ के डिस्कस करो बाबा जी दे संबंध च मैनूं माड़े जिहे थोड़े दस्सिओ जी वी मान लिया किसी भी धार्मिक संस्था दे झगड़ा हो गया जी पंद्रह बंदे उन्हां हो गए भी जिहड़े उन्हां हो गए जी वह पंद्रह भी उहदे खिलाफ बयान दे रहा उहदे खिलाफ दे बयान दे रहा जिहड़ी मगर संगत है वह तां परेशान है जे परेशान हो तो फिर हक कि असला संगत को जन्म दसों बारह जन को जी संगत को पावर है जे संगत को पावर आ तो मेरे ख्याल है अज मेरी बेनती है प्रबंधक खास करके मैं बहुत बारी बोल चुका बहुत बारी हूँ भी लगा मोटे लफ्जा च मैं अपनी सोची मैं नहीं पता मैं ठीक नहीं अपने कहो भी मैं ठीक ही हाँ संगत ने पैसा दिता ना संगत ने बनाया गुरु घर बाबा जी मैं चाहता नहीं भी मैं जी गल कह रहा ठीक वा जिथे भी किसी धार्मिक संस्था का कोई बंदा अगे मोहतबार बनना चाहता अगे होना चाहता मोहतबार तो उ है जिन्हों असी मानते हैं उसकी छत्रछाया साडा मोहतबार उ है जोड़ा कोई सेवा लैनी चाहता प्रधान सैकटरी कैशियर मैंबर जिन्हें मर्जी बन जाओ परची बनो चाली बना पाँ बना लो पर उस धार्मिक स्थान की मर्यादा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी गल है जी जे साढ़े को ज्ञान नहीं जिन्हों के कोल ज्ञान नहीं आ जिन्ने झगड़े होंगे अज्ञानी कर रहे हैं बहुत ज्यादा यही अज्ञानता के करके भी हैगा तो फिर उस करना चाहिए गल सब तो पहला जी कोई संस्था बनती है वह एक विधान बनता है जी एक विधान लिखा जाता है संविधान के अकॉर्डिंगली उहदे विच लिखिया हुंदा कि कोई प्रधान बनिया तो दो साल ही बनिया जां पांच साल ही बनिया जी जे उस तों बाद असी मीटिंगां रखणियां हुंदियां ने वी साल दे विच इन्नियां मीटिंगां कीतियां उहदे विच असी सारा हिसाब किताब करना हैगा जे वह व्यक्ति पूरा टाइम नहीं दे सकदा मीटिंगां विच भी नहीं आ रहा तो गुरु घर नूं जिहड़ी सेवा विच भी कोई योगदान नहीं पा रहा सेवा विच भी अगे नहीं आ रहा तो वह जिहड़ा है फैसला आ बहुमत लै सकदा मान लो ग्यारह मैंबरी कमेटी है ग्यारह मैंबरी कमेटी है मान लो एक प्रधान हैगा प्रधान कहिंदा मैं सीट हुण छड्डणी नहीं चाहुंदा तो दस जिहड़े व्यक्ति ने वह जिहड़े ने मता पा सकते ने प्रधान नूं बदली कर सकते जे मता पा भी देण तां फिर झगड़े तो उत्थे आ ही हुण जिथे मर्जी चल जाओ जदों कमेटी बनती है उहदा मतलब यही है कि विधान के अकॉर्डिंगली चलना संविधान के अकॉर्डिंगली चलना बाबा जी फिर आप उत्थे आ जन्ने आ भई जदों तुहानूं विधान कहिंदा उस संस्था दा जे सेवा कर गल फिर तुहाडा फर्ज अपने आप बनदा कि मैं विधान दे मुताबक मेरी टर्म पूरी हो गई आ मैं छड्ड जावां बिल्कुल ते जिहड़ा नहीं छड्डणा चाहुंदा जी
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਆ ਆਹ ਇੰਨਾ ਆਹ ਮਾੜਾ ਆਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਮਸੀਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਚਰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਕਹੂਗੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਝਗੜੇ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਿਮਕ ਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੱਕੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਚੱਲੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਿੱਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ
चाहे वह मस्जिद है चाहे वह चर्च है, जे उत्थे संगत नूं तुसी जोड़ना चाहते हैं, उत्थे संगत नूं वधाउणा चाहते हैं, उत्थे संगत नूं कुछ देना चाहते हैं, कोई ज्ञान देना चाहते हैं, तो पहला आप ज्ञान लईए, आप उस रस्ते ते चलिए, आप उस अकाल पुरख दे नाल, उस अल्लाह नाल, उस वाहिगुरु नाल जुड़िए, फिर सानू पता लगेगा कि गुरु की चाहता है। गुरु सेवा चाहता है, सेवा दे नाल सारा कुछ हुंदा है, सेवा दे नाल मन नीवा हुंदा है, क्योंकि मिठत नीवी नानका गुण चंग्याईया तत्, जिहड़ा नीवा हो जाता है वह गल बन जाती है, एक ने कही दूसरे ने मानी दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जे हुण दोनों झगड़े च पए ने उन्होंने वल देख के तो किसी ने भी नहीं आना, ये झगड़े खत्म करिए, आपसी झगड़े खत्म करिए। कोई कित भी मनता है वो मनता है अपने गुरु महाराज की, वो जिस तरीके दे नाल चलिया हैगा उनूं उत्थे मनन दिओ, पर जे असी किसी नूं जबरदस्ती कहांगे फिर वो गल गलत हैगी है। ज्ञान दे नाल समझाउणा कीता, चाहे धन गुरु नानक पातशाह जी आए, सतगुरु रविदास महाराज जी आए, सतगुरु कबीर महाराज आए, उन्होंने प्यार दे नाल ही सारिआं नूं समझाया, उन्होंने कोई भी किसी तरीके का कोई ऐसा हथियार नहीं वरत्या, उन्होंने ज्ञान का हथियार वरत्या। ज्ञान दे विच सब तो ज़्यादा ताकत होंदी है, ज्ञान दे नाल प्यार दे नाल आपां जिहड़ा है ये गुरु घरां दे विच बैठीए, प्यार दे नाल ही सब कुछ मिलना है। सतगुरु महाराज कहिंदे ने कि साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जी। प्रेम ही नहीं हैगा साडे अंदर, असी प्रेम की भावना ही नहीं रखते हैगे, तो फिर साड़ी सेवा जिहड़ी आ उह बेकार चले जाए। हुण मिलदा तो सानू हर धार्मिक स्थान तो प्रेम सिखाउण दी सिक्ख्या मिलदी है, फिर जे असी सिखदे ही नहीं, ये गलती है, उहदे नाल साडा ही नुकसान हुंदा, साडे गुरु महाराज दे मिशन नूं दे विच रुकावट आउंदी है, गुरु महाराज का मिशन अगे वधन की बजाय पिछे चले जाता है। क्यों? क्योंकि जदों असी अपनी गल रखनी चाहते हाँ, जदों असी गल उत्थे लड़ाई दे विच चले गई तो फिर साडी गल ही नहीं होनी। जय गुरुदेव जी। शौंकी साहब जय गुरुदेव जी महाराज, की हाल चाल? चढ़दी कला जी, चढ़दी कला। कौलतार जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं हुणे गुरु घर तो वापस आ रहा, ट्रेन से जा रहा है, तो पहला आप जी ने महापुरश जोड़े आए आ इन्हों कांछी टीम की सारी टीम को जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय भी जय भारत जी। बहुत खुशी वाली गल है कि इन्हों के दर्शन असं अज कर रहे हैं, बड़े सूझवान महापुरश आ और जोड़े अज कांछी टीवी पर कांछी टीवी भाग ला रहे हैं, तो मैं इन्हों का बहुत दिल दिया गहराइया तो धन्यवाद करता। बयाना बच्चे भी आके गए थी, तो आप जी का भी बहुत करता धन्यवाद, तो सारी कांछी टीवी का जोड़े महापुरशा टीवी पर लिया के संगतों के रू रू दर्शन कराए हैं, बहुत इन्हों के वधिया विचार हैं, पर मैं ट्रेन से जा रहा इस करके फिर ज़्यादा गल नहीं कर सकता, तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हुण असीं जदों बाणी नूं मत्था टेकदे हाँ जी, वह कहिंदे आ सतगुरां दे बचन आ, रसना फिका बोलना नित नित होए खुआर, पर असी उसी बाणी दे कोल खड़े हो के एक दूसरे इदा दे बोल कबोल बोलते हैं, माइक फड़ फड़ के उची उची, मेरिया पैणा तियां पैणा, इदा ही मंदरां दे विच भी झगड़े होंदे आ, हुण जिहड़ा गुरदासपुर दे विच भी वह बाहर आपस च ही हो रहा सी। सो इहदा कारण की है? जिहदे साडा एडा वड्डा भंडार जिहदे अंदर शांति है, सानू शांति दा उपदेश दिंदे आ, असी लीडर बन के सिर्फ लीडर ही बनना चाहते हाँ, लेकिन उहनू असी मनना नहीं चाहते, गुमराह कर रहे हैं, असी संगत नू गुमराह करते हैं, असी संगत दीआं भावनावां दे नाल खेड रहे हैं, असी संगतां दे विच बैर विरोधता पैदा कर रहे हैं, असी प्यार पैदा करना है, प्यार पैदा करने वास्ते ही महाराज ने सारी बाणी लिखी है। बाबा फरीद साहब लिखते हैं कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब किश जी, किंदी भी क्यों गुस्सा करना है, बुरे दा भी भला कर, फिर ते तेरे विच ज्यादा जिहड़ी निम्रता होएगी, फिर अरदास दे उत्ते गल भी निवेड दिंदे आ, सरबत दे भले वास्ते वीर, फिर सरबत दा भला तो होया ही नहीं, असीं तां किसे दा भला मंगिया ही नहीं, फिर इहदा मतलब दूसरे दा ब्यौरा तकदे आ, असीं कह दिंदे आ अरदास वेले सरबत दा भला होवे, पर नहीं, क्योंकि आपां सरबत दा भला तां ही आ जे असीं दिलों मंगांगे, दिलों गल बननी आ, जदों असीं दिल तों अरदास करदे आ, धुरती गहराई तों करदे आ,
क्योंकि दिल दियां भी तहां ने 14 तबक दिले दे अंदर, दिल दियां भी गहराइयां ने 14 तबक ने 14 तहां ने। आखिरी तह तो जदों अरदास हुंदी आ फिर मंजूर हुंदी आ। असीं उत्थे तक पहुँचदे नहीं, असीं गए फटाफट खड़े होए, ध्यान किते आ, गल किते आ, 14 तबक दे ना ही नहीं आ जी सानू पता, क्योंकि असीं उत्थे तक पहुँचने सानू पहले तबक दा नहीं पता, सानू तां इत्थों तक आ दिले दे अंदर, क्योंकि दिल दरिया समुद्रों डूगे कौन दिलां दियां जाणे। कहिंदे ने कि दिल दियां उही जाण सकदा जदों उहने परमात्मा दे नाल लाईआं, दिल दियां गल्लां उह जाणदा, क्योंकि कहिंदे ने कि बिन बोलियां सब कुछ जाणदा, किस अगे की जे अरदास, की जे अरदास, उह तां सब कुछ तुहाडा पहलां ही जाणदा है, उहदे अगे की अरदास करनी है। पर फिर भी असीं अपनी चिट्ठी जिहड़ी आ, अपनी अर्जी जिहड़ी आ, उहदे अगे रखणी है। आपां जदों किसे भी जगह ते जाणे आ साडे बारे पता हुंदा, आपां किसे दे घर जाणे आ नॉर्मल जाने हैं उदों पता होंगे, जो आप कुछ समा पा के जाने हैं तो उन्हें पता लग जाता भी इन्हें कोई काम है। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, धन गुरुदेव अंकल जी, बिट्टू चली बोलता जी। चली जी जी आनु जी, बहुत वधिया प्रोग्राम साडा चल रहा अज, महापुरशां दे दर्शन हो रहे सानू विच बैठिआं दे जी, इटली दी धरती ते, और इन्हां नू इंडिया दे प्रोग्राम विच कई बार देखिआ, पर अज इत्थे साक्षात दर्शन कर रहे इन्हां दे जी, ते बहुत वधिया प्रोग्राम कर रहे आ, और इन्हों की बड़ी सोच निराली है, और साड़ी पूरी इटली की संगत वालों बाबा जी का तह दिलों धन्यवाद है जी, जी इस तरह ही लगे रहो, धन्यवाद जी, समाज के कामों में। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। चली जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सो गुरु प्यारे, जिन्नी भी हम असी हूँ तक गल्लां कीतियां, गल्लां जिन्नियां मर्जी उधेड़ लईए बोल लईए, असल विच जदों असी मीडिया देखते भरिया पिया राजनीति वाले लोग जदों धार्मिक संस्थावां दे विच अपना चिक्कड़ खिलारदे आ। जय गुरुदेव जी, मैं लफ्ज बड़ा सोधिया लफ्ज बोलिया, जय गुरुदेव जी। धन गुरदेव जी, शौंकी वीर जी, ते महापुरशां नूं मैं जगदे पाउनी आ ते तुहानूं वी जी। शौंकी वीर जी, अज जिहड़ा अज तुहाडा टॉपिक चलदा बहुत वधिया प्रोग्राम आ जी, ते मैं देख सुन रही आ कि जो अज यूरोप दे विच जां इंग्लैंड जां किते वी गुरु घर च विवाद चलदे आ, चौधर दसदे जां प्रधाना दे जां इदां दे, पर मैं इक क्वेश्चन पुछना चाहुंदी आ कि कोई प्रधान 2 साल वास्ते होंदा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਰੋਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ।
ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਜਾਂ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ 50-60 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈਏ ਦਾਸ ਅਗਲੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ